दोस्तों इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड T20 मैच में जो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया का सेकेंड T20 मैच था, इसमें टीम इंडिया हार गई है 8 विकेट के साथ। और इसके बाद कारणों का सिलसिला जारी है कि टीम इंडिया क्यों हारी है, किस प्लेयर में कमी रही और किस प्लेयर की परफॉर्मेंस के कारण टीम इंडिया को यहां पे हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों इसी हिस्सेदारी में भाग लिया है अब सुनील गावस्कर ने। हमने ऐसा पहले भी देखा कि सुनील गावस्कर हमेशा से ही प्लेयर्स को डांटते आए हैं और उन्हें समझाते हुए आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है टीम इंडिया के लिए। तो उन्होंने इस हार पर कहा है कि जो विराट कोहली ODI सीरीज में भी कर रहे थे और इसी कारण से उन्हें एक मैच में भी हार का सामना करना पड़ा था, तो वैसा ही उन्होंने इस T20 मैच में भी किया है कि महेंद्र सिंह धोनी को इतना पीछे भेजा है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को मनीष पांडे और केदार जाधव के पीछे भेजा है और जिस कारण से टीम इंडिया मिडिल ऑर्डर में कमजोर नजर आई और महेंद्र सिंह धोनी को काफ़ी प्रेशर पड़ा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी प्रेशर में भी शानदार खेलते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को इतने अनुभवी प्लेयर को, इतने काबिलियत रखने वाले प्लेयर को इतने पीछे नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कहा है सुनील गावस्कर ने, लेकिन आपका क्या कहना है विराट कोहली से कि महेंद्र सिंह धोनी को इतने पीछे क्यों भेजते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।